हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे पंजाबी मटन करी, और ये मटन करी खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है हमारा मटन करी। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन लिया है। मटन हमेशा फ्रेश लें, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। यहाँ 200 ग्राम मैंने दही लिया है, दही को मैंने फेंट लिया है। तो दही को अच्छे से फेंट लेना है, और यहाँ पर स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। मटन को हमें मैरिनेट करना है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को मिला देंगे अच्छे से, और 1 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे रेस्ट के लिए। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। इससे क्या होता है, मटन में काफ़ी बढ़िया सा फ्लेवर आता है। ये जो मसाले वगैरह है ना, इसके अंदर जब जाएगा तो इसमें काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो 1 घंटे के लिए इसको हम रखते हैं साइड में। और यहाँ मैंने लिया है कुछ खड़े मसाले हैं, 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग है। खड़े मसाले आपके पास जो भी आप ले सकते हैं। और 1 घंटा हो चुका है मटन को, तो यहाँ हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो कोई भी कढ़ाई, या इसको आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, आप जिसकी मर्जी जिसमें मर्जी हो आप बना सकते हैं इसको। 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे, और यहाँ मैंने डाल दिया इसमें खड़े मसाले। इसको थोड़ा सा पकने देंगे 1 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। यहाँ मैंने 300 ग्राम प्याज लिया है। प्याज को मैंने अच्छा स्लाइस में बारीक काट लिया है। प्याज को हमें आधा पकने तक पकाना है, और मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे प्याज को। और ये मैंने 2 लहसुन का गांठ लिया है, ये ऑप्शनल है। मटन में खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे मटन में लहसुन के गांठ काफ़ी टेस्टी लगता है, ये तो मेरा फेवरेट है, और काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आता है। और ये मैंने डाला यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ हम 2 मिनट इसको और भूनेंगे। प्याज हमारा आप देख सकते हैं आधा पक चुका है, तो आधा पकने तक ही प्याज को भूनना है। और 2 मिनट हमने यहाँ पर इसको अदरक लहसुन को भी भून लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ मटन, साथ में जो मसाले वगैरह हैं इसमें ये भी हम डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए मटन को भूनेंगे कंटिन्यू चलाते हुए। अच्छे से हम पहले इसको मिला देते हैं, और इसके बाद हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक हम भूनेंगे इसको। और यहाँ देखिए, मैंने इसको ढक दिया था 2-3 मिनट के लिए। और प्याज हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुका है। एक बार हम इसको दोबारा चला देंगे। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज का टमाटर का पेस्ट बना लिया है। आप इसको काट कर भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। मैंने यहाँ पीस कर डाला है टमाटर को, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी बने। मिला देंगे टमाटर को भी, और अब हम क्या करेंगे, इसको गैस के फ्लेम को एकदम लो पे करेंगे, और लो फ्लेम पे इसको 6 से 7 मिनट के लिए ढक करके हम इसको अच्छे से पकने देंगे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए ग्रेवी में।
तो यहाँ देखिए 6-7 मिनट हो चुका है और देखिए इसका कलर देखिए काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और इसके जो ग्रेवी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया, ये अच्छे से गल चुका है प्याज वगैरह सारी चीज़ें, और काफ़ी बढ़िया से ग्रेवी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हाई फ्लेम करेंगे और मटन को 5 मिनट तक भूनेंगे। थोड़ा सा जो ये लिक्विडी दिख रहा है इसको हम थोड़ा सुखाएंगे। ये क्या होता है, भूनने वाला जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी से मटन में अच्छा सा आपको टेस्ट मिलेगा। ये जो लास्ट टाइम हम भूनते हैं ना, ये काफ़ी बढ़िया सा इससे स्वाद आता है। यहाँ मैंने 4-5 मिनट इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा, लगभग आधा गिलास, क्योंकि मटन पकने में टाइम लगता है और यहाँ तो हम कढ़ाई में पका रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है पकने में, तो थोड़ा सा पानी हम ज़्यादा ही डालेंगे। हाँ, अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप उतना ही पानी डालिएगा जितना आपको ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि प्रेशर कुकर में पानी जलता नहीं है। यहाँ लगभग मैंने 1 लीटर पानी डाला है और इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए हम पकाएंगे, या फिर इसको तब तक पकाइए जब तक कि मटन आपका अच्छे से गल ना जाए, और लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। यहाँ देखिए पूरे लो फ्लेम पे मैंने इसको 20 से 25 मिनट तक पका लिया है और यहाँ पर हमारा मटन कड़ी बन करके तैयार है। मटन हमारा काफ़ी अच्छे से गल चुका है, यहाँ हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से मटन हमारा पक गया है। आप चेक कर लीजिए पहले गैस को ऑफ करने से पहले, मटन आपका गला है कि नहीं गला है। और काफ़ी बार डिपेंड करता है मटन कैसा है, मटन अगर फ्रेश रहता है तो काफ़ी जल्दी गल जाता है, और मटन अगर फ्रेश नहीं रहता है तो मटन को गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमारा मटन गल चुका है, हम गैस को ऑफ करते हैं और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। 10 मिनट ठंडा हो चुका है, हमने यहाँ पर इसको सर्व कर लिया है और देखिए कितना बढ़िया हमारा मटन करी बना है। इसकी ग्रेवी देखिए कितना बढ़िया, पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और काफ़ी टेस्टी दिख रहा है। देखिए कितना बढ़िया इसका ग्रेवी बना है, कितना बढ़िया टेस्टी बना है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी टेस्टी बनेगा मटन करी। और इसको बनाना आपने देखा कितना आसान है, और यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से हमारा मटन जो है गला है, काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुका है। ऐसा नहीं है कि कढ़ाई में हमने बनाया है तो गला नहीं है। तो ये देखिए हमारा मटन जो कितना बढ़िया से गला है, कितना आसानी से ये टूट रहा है। आप इसको रोटी चावल किसी के भी साथ खाइए, काफ़ी टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।